इकबाल टाउन से खबर ये आई है कि मुख्तलिफ मसाजिद में चोरों के सरगर्म ग्रोह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों के मोबाइल फोन चोरी होने की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सड़कों, चौराहों और बाजारों के बाद अब चोर जो है वो मसाजिद के अंदर भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। ये दो सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो लाहौर न्यूज को मौसूल हुई है। थाना इकबाल टाउन की हदूद के अंदर ये दोनों मसाजिद वाकया है जहाँ पे ये चोरी की वारदातें पेश आई, जिसमें पहली सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से चोर आता है और जब नमाजी जो है वो नमाज पढ़ने के अंदर मसरूफ है तो वो मोबाइल फोन उतार के वहां से फरार होने में कामयाब हुए थे। और दूसरी सीसीटीवी के अंदर जो है वो चोर जो है वो सोते हुए नमाजियों का फायदा उठाकर उनकी जेबें काट कर वहां से फरार होने में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता चलूं कि नमाजी मस्जिद में भी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। इस हवाले से जो है वो नमाजियों ने पुलिस के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। अलबत्ता पुलिस की जानेब से भी इस वाकये का नोटिस ले लिया गया है। चोर जो है वो हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कई जूते जो है वो शहरियों के लेकर फरार हो चुके हैं। जी चोरों ने नमाजियों को भी नहीं बख्शा। शाहजेब भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।